हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट कंप्रेहेंशन को लर्न किया था। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन में टपल्स। तो आइए देखते हैं पाइथन में टपल्स क्या है। सो बेसिकली अगर टपल की हम बात करें तो अ टपल इज एन इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टपल जो है वो इम्यूटेबल कलेक्शन है एलिमेंट्स का, एंड एलिमेंट्स जो है यहाँ पे वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार अगर हमने टपल को क्रिएट कर दिया तो उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकने का मतलब है पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे रखे गए एलिमेंट की वैल्यू को नहीं बदल सकते, ना ही कोई नया एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। एलिमेंट जो है वो होमोजीनियस यानी सेम टाइप के, या हेटरोजीनियस यानी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट मींस वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द टपल। यानी कि अगर एक बार हमने टपल को बना दिया तो उसे हम बदल नहीं सकते हैं। अब टपल्स बनाने के जो तरीके हैं, सिंपली आप वेरिएबल का नाम लिखें इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर, नोट कीजिएगा लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट से, जबकि यहाँ पे क्या है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में कॉमा से सेपरेट करके हम वैल्यूज लिखेंगे। तो बेसिकली ये टपल बन जाएगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप पैरेंथेसिस को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर एक वेरिएबल में आप असाइनमेंट के राइट साइड में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हो कॉमा से सेपरेट करके, तो वो ऑटोमेटिकली एक टपल बन जाएगा। या आप टपल कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हो। जब टपल कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो दो पैरेंथेसिस आपको यूज करने पड़ेंगे। एक चीज आपको स्पेशली यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक टपल बनाना चाह रहे हो जिसमें केवल एक ही आइटम है, तो जो आइटम आप या वैल्यू जो आप लिख रहे हो उसके बाद में आपको कॉमा लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए टपल, एक टपल बनाई जिसमें एक ही वैल्यू रख रहा हूँ, तो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा ए टपल इक्वल टू, पैरेंथेसिस ऑप्शनल है कंपलसरी नहीं है, 10 और उसके बाद में कॉमा। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया, सिर्फ इस तरह से लिख दिया सपोज दैट ए टपल इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ए टपल सिंपल वेरिएबल बन जाएगा। तो यहां तक ये जो अपन ने लर्न किया इसको प्रैक्टिकल पे हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ए टपल बनाया मैंने इक्वल्स टू 10, 20, 30, एंड डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी आप इसमें ऐड करवा सकते हो। लाइक मैंने तीन इंटीजर और एक स्ट्रिंग दे दिया है, प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम ए टपल को। एंड दूसरा, हम इसका टाइप भी प्रिंट करवाते हैं जिससे हमें पता लगे कि ए टपल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हमने सेव कर दिया टपल वन नाम से, फाइन। एग्जीक्यूट किया हमने इसे, तो यहाँ पे ये टपल इसने प्रिंट करी पैरेंथेसिस के अंदर। अभी देखिए यहाँ मैंने क्या करा है, टाइप की जगह दूसरी बार भी आई थिंक टपल को ही प्रिंट करा दिया। इसका टाइप हम प्रिंट कराते हैं, फाइन गाइस, रन कर लेते हैं इसे। क्या दिखा रहा है, ये क्लास इसकी टपल यानी टाइप इसका क्या है, टपल है। आइए हम इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ए टपल 0 इक्वल टू 100, एंड हमने इसे यहां पे एग्जीक्यूट किया। क्या बोल रहा है ये, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, फाइन। या हम इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डेल कीवर्ड हमने देखा था, ए टपल 0 यानी 0th इंडेक्स की वैल्यू को हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आइटम डिलीशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है टपल ऑब्जेक्ट, फाइन। दैट मींस टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इसकी जगह अगर ये लिस्ट होती तो डेफिनेटली हम चेंज भी कर सकते थे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम डिलीट करते हैं, डिलीट कर देगा, फाइन गाइस।
तो ये लिस्ट और टपल में डिफरेंस है। इसके अलावा अब जैसे पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो, जैसा कि हमने लिस्ट के साथ भी देखा था। अभी 800 का मतलब क्या हो गया, केवल 10 प्रिंट करवा देगा ये। फाइन गाइस, इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्स भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने -1 दिया तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लास्ट वैल्यू। फाइन, तरुण दिया। सिमिलरली हम एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स यूज करना चाहें, जैसे मैंने दे दिया 1,3, तो इसका मतलब 1 और 2 वाला एलिमेंट यानी 20 और 30 हमें देगा ये। सेव नहीं किया था इसलिए वार्निंग थी। फाइन, और इसके अलावा जो भी लिस्ट पे हमने देखे थे सारे के सारे लिस्ट स्लाइसिंग के तरीके, वो सारे इस पे भी एप्लीकेबल हैं। तो अगर आपने मेरा लिस्ट स्लाइसिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखें। नाउ टपल जो है वो दो मेथड्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है काउंट, काउंट रिटर्न्स एन इंटीजर व्हिच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन वैल्यू इज अपीयर्ड इन द टपल। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय लिस्ट। काउंट हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा और आर्ग्यूमेंट में भी एक वैल्यू लेगा एंड चेक करेगा कि ये टपल के अंदर जो हमने वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट दी है इस फंक्शन को, वो कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार आई है। जितनी बार आई है उसकी काउंटिंग हमें रिटर्न कर देगा। अगर एक बार भी नहीं आई है तो हमें रिटर्न करके देगा ये 0। ठीक है, ये सेम मेथड हम लिस्ट ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको हम यूज करके देखते हैं। 10, 20, 30 एंड 10। नाउ ए टपल डॉट काउंट, 10 को हमने सर्च किया, 10 दो बार आया तो ये 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइस, सपोज 10 की जगह मैं 100 सर्च कर रहा हूं, 0 आया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स एक वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा एंड पहली बार जिस इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू आई है वो हमें रिटर्न करके देगा। ये भी सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है। जैसे सपोज दैट यहां मैंने काउंट की जगह क्या अप्लाई करा, इंडेक्स। सर्च किया मैंने 10 को, 10 पहली बार कहाँ आया, 0 था इंडेक्स पे, तो हमें क्या दिया इसने, 0। फाइन, इसी तरह से सपोज मैं 100 को सर्च करता हूं, इसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो हमें क्या दे रहा है, वैल्यू एरर। ये हमने लिस्ट में भी देखा था। सो ये सेम लिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। सो गाइज, ये हमारे टपल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम किसी भी टपल पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। इस नंबर पे भी आप अपने डाउट्स जो है वो मुझे मैसेज के द्वारा भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।